आज अपना ही सरकार में भीख मांग रहे हैं, अपने ही सरकार से हम भीख मांग रहे हैं। शर्म होनी चाहिए, कितना लज्जा का बात है। मैं भी उसी पार्टी से हूं और शिबू सोरेन ने हमको उंगली पकड़ करके राजनीति सिखाया। आज उसका बेटा मुख्यमंत्री है। अरे सीधे सीधी बात है, जिसके हाथ में खतियान है वह यहाँ का स्थानीय। एक शब्द में, जिसके हाथ में खतियान वही है यहाँ का स्थानीय। आप थर्ड ग्रेड टीचर का नौकरी, नर्स का नौकरी, सिपाही का नौकरी, कलर का नौकरी, और मैं बता रहा हूं ये गरीब का दो चीज लगता है, एक आह और एक वाह। अगर ये गरीब का काम आपने किया वाह वाही होगी, और गरीब का काम आपने नहीं किया आह लगेगा, लगता ही लगता है। ये हम नहीं बोले इसलिए कि हम लोग बेदखल हो रहे। आज मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, आप यहां आकर के जो एनर्जी हमें दिया है, लगता है कि अब हमारा छाती और चौड़ा होने जा रहा है। एक बात है कि हमारे जो पूर्वज, चाहे वो संथाल परगना में हो, चाहे छोटा नागपुर में, लोगों ने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी। क्या वो नौकरी लेने के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्या वो पैसा के लिए लड़ाई लड़े थे? इस मिट्टी को बचाने के लिए और यहां के जो दलित, शोषित, पीड़ित, यहां के आदिवासी, मूलवासी, आने वाले समय में कैसे अमन चैन से रहेंगे, यही सोच के लोगों ने बलिदानी दी। आज हम उसी के औलाद हैं, आज उसका खून का हिस्सा है, तो फिर हम अपने ही घर में, अपने ही राज्य में, अपने ही मिट्टी में आज जूता खा रहे हैं, कहां जाएंगे हम और कौन बचाएगा? जाए तो किधर जाए, एक होना पड़ेगा। एक ही उपाय है, यहां के जनमत को एक होना पड़ेगा, और जिस दिन यहां पर हमारे लोग एक होंगे यहां का नक्शा बदल जाएगा। क्या हिम्मत है बेईमानों को, आज यहां इतना हिम्मत करके हमारा जमीन लूट रहा, और ये सरकार देख रही है, सरकार के आंख के नीचे कहां है शासन प्रशासन, कहां है एक्ट, एक्ट को दरकिनार करके कहां है यहां का कमिश्नर, कहां है यहां का डीसी, कहां है एसडीओ सीओ, सब पैसा देने करके यहां के लोगों को अपना ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। और इतना बात आप लोग जान लें, ये मिट्टी रहेगा तब यहां आदिवासी रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगा एक दिन चिड़िया खाना की तरह कहीं एक जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई उधर कोई इधर। तो क्या हम अपने ही घर में
बैठ करके टुकुर टुकुर हम लोग देखते रहे। कितना लोगों को भी था, अलग राज हुआ, माननीय गुरुजी बहुत लड़ाई लड़े, कितने लोग जेल गए, कितने लोग पुलिस की गोली से मरे, कितने लोग जेल में मरे और कितने लोगों पर अभी भी केस चल रहा है। ये राज तो मिला लोगों के, एक उम्मीद थी कभी न कभी हमारी सरकार बनेगी, लोगों ने विश्वास किया था शिबू सोरेन का बेटा है, लोगों की उम्मीद थी, लोगों के आसरा था, लोगों का विश्वास था, लेकिन आज पानी फिर गया। समझ में नहीं आता, आज अपना ही सरकार में भीख मांग रहे हैं, अपने ही सरकार से हम भीख मांग रहे हैं, शर्म होनी चाहिए, कितना लज्जा का बात है। मैं भी उसी पार्टी से हूं और शिबू सोरेन ने हमको उंगली पकड़ करके राजनीति सिखाया, आज उसका बेटा मुख्यमंत्री है। अरे क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, जो बोले हो उसको करो। हम तो विधानसभा में बोला था वादा किए हो तो निभाना पड़ेगा, बोला था, और हमने ये भी कहा था कि अब आने वाला समय में झारखंड में तीर चलने का समय आने वाला है। क्या करेंगे जिंदारा करके, जो एक्ट बनाया है आज उसी के चलते आज हम लोग सुरक्षित हैं। आज घर गांव है, बाड़ी है, खेत है, खलियान है, सीएनटी एक्ट नहीं होता, एसपीटी एक्ट नहीं होता, आज गाज के नीचे भी हम लोग को छाव नहीं मिलता, नहीं मिलता। जब यहाँ एक्ट है और बाहर के लोग आकर के आपको भगा दे रहे हैं और उसमें हमारे लोग भी दलाल हैं, मजबूरी है, गरीब है, शिक्षा नहीं है, कुछ परसेंटेज मिल रहा है उसको, लेकिन वैसे लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा, वैसे लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा। आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी सर जमीन भी लुटा रहा और नौकरी भी लुटा रहा और इज्जत आबरू के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आज हमारी बहनों को उल्टा पुल्टा पढ़ा के प्रलोभन दे करके दूसरी समाज कहाँ जाएंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे हम लोग, कहाँ मुंह दिखाएंगे, कहाँ है हमारा मान सम्मान। आज मैंने हम जितना शेड्यूल एरिया से जीत के आए, मैंने सभी को आग्रह किया था कि भाई इस मिट्टी को बचाने के लिए आवाज तक बुलंद करना पड़ेगा। जनता जनार्दन ने विश्वास करके भेजा है और यहाँ मुखदर्शक बनेंगे। पहले तो बोला मदद करेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से लोगों ने बात कर रहा था छोड़ दिया, हाय हेलो होता था फोन पर वो भी छोड़ दिया। लोग फिर कभी कभी होता है पता नहीं, लोग हम लोगों को साथ देना चाहते, हम लीडरशिप नहीं बनना चाहते, हम लोगों को साथ देने के लिए हम आगे होना चाहते हैं। और आज यहाँ बैनर नहीं है, बैनर नहीं है, मैंने कहा सारे संगठन के लोगों को मिल के बात करेंगे, उस बैनर में क्या लिखाएगा वही लिखाएगा, लॉबी हमरा नहीं लिखने वाला। मैं 3 तारीख को घर से निकला, 3 अप्रैल को हमारे बोरिया विधानसभा में यही सीएटी एक्ट, एसबीटी एक्ट, नियोजन नीति, स्थानीय नीति के बारे में
मैंने घोषणा कर दिया कि विराट आम सभा होना है। रात में कार्यकर्ता लोग फोन करता है कि दादा चारों प्रखंड में फोर्स उतर गया, चारों प्रखंड में फोर्स, देख देख पर फोर्स। ऐसे ही हमने सोचा रही क्या हो रहा, सदन में भी बोली बंद और विधानसभा में भी बोली बंद, क्या हो रहा है? मैं किसको लूटने के लिए जा रहा था? हमारे लोग क्या कहीं तोड़ फोड़ करते क्या? एसपीटी एक्सीडेंटली स्थान नीति नियोजन नीति पेशा एक्ट के बारे में बताने के लिए इतना फोर्स दिया, फिर भी सुबह से लोग फोन आना कि बता दादा यहाँ हम लोग को घेर लिया, इतना चेकिंग हो रहा है, नहीं जाने दे रहा है। लेडीज लोग फोन रहे कि ते बच्चा पुत्रों के साथ में आ रहे थे, दादा कहाँ जाएंगे हम? बोले घास के लिए बहुत धूप है, बच्चे को लेकर बैठ जाओ घास के नीचे और जिसको पैदल आना हो पैदल चलो। लोग नहीं माना और जितना उम्मीद किए थे उससे भी ज्यादा लोग जुटे। तो सच्चाई को नहीं दबा पाओगे, नहीं दाब सकोगे। आज यहां पर नियोजन नीति स्थायी नीति कौन बनाएगा? कौन है जिम्मेदार? चुनाव के टाइम में बोलते कि स्थान नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, एसपीटी एक्सीएटी को शक्ति से लागू करेंगे। मेरे पास वो पेपर है, चुनाव में जो घोषणा किया था, जो एजेंडा है, मैं बोला है क्या? मैं बोला हूं, आप बोले हो, और उसीलिए लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। आज स्थानीय नीति का क्या मतलब? अरे यहां नहीं, पूरे देश के अंदर में सभी स्टेट में सबका अपना अपना अलग स्थानीय नीति है। और झारखंड में क्यों नहीं बन रहा? रघुवर दास ने जो बनाया था, बाहर के लोगों के लिए रास्ता छोल दिया, दरवाजा खोल के रख दिया कि झारखंड में जो आया है नौकरी करने के नाम पर आया है, ठेकेदारी करने के नाम पर आया है, बिजनेस करने के नाम पर आया है, आज उसका बेटा बेटी यहाँ मैट्रिक पास किया है, ये थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में वही जाएगा। हमारा बेटा बेटी कहाँ जाएगा? तो आज कौन बनेगा सारी नीति? कुछ नहीं है, लोगों को धूल चटाया, लोगों के आंख में धूला छोका है। क्या हमारी सरकार बनेगी तो सारी नीति बनेगी? अरे सीधे सीधी बात है, जिसके हाथ में खतियान है वो है यहाँ का स्थानीय। एक शब्द में, जिसके हाथ में खतियान वही है यहाँ का स्थानीय। आप थर्ड ग्रेड टीचर का नौकरी, नर्स का नौकरी, सिपाही का नौकरी, कलर का नौकरी, अभी तक आपने डिफाइन किया नहीं कि कौन है यहाँ का। तो बाहर के लोग तो आएंगे। अभी 5 लाख अपार्टमेंट बना है झारखंड में और उसमें से मुश्किल से 4 आना हम लोग का आदमी है और 12 आना सब बाहर के लोग हैं। वोटर लिस्ट में नाम है और यहाँ रह रहा है वो भी थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? तो मैं कुछ अलग से नहीं मांग रहा हूं, जो आपने बोला है उसको इम्प्लीमेंटेशन करो और कुछ नहीं, हम दूसरा जाते हैं। यहाँ पर एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट कैसे लागू करोगे? क्या करता है तुम्हारा पदाधिकारी? क्या करता है यहाँ का अधिकारी? ये पूजा सिंगल का बताइए, वो भरी जमीन है और कहाँ? सब लोग जान रहा
बताइए। अभी एचईसी में इतना इतना जमीन खाली पड़ा हुआ और रोज रोज यहां बाहर के लोग उसमें घर बनाते चले जा रहे, लेकिन जो जमीन मालिक है, मैं कूटे गांव गया था, वहां हमने देखा, बोला कि सर हम लोगों के पास कुछ भी कागज नहीं है, तो हमने रिकॉर्ड रूम से आप लोग निकालो और तैयार हो जाओ सब आदमी, जितना खाली जमीन है नियम के मुताबिक तुम लोगों का जमीन पर अगर कुछ नहीं बना तो ये जमीन वापस होना चाहिए था, तैयार हो जाओ, चलो हल बैल लेकर के और जोतेंगे उसकी। अभी हम गए थे कुछ दिन बजरा गांव, बजरा मोजा, वहां पर बहुत बड़ा एरिया में वो सरना का जमीन है, चारों तरफ से घेर दिया। वहां हम कम ही लोग थे लेकिन हिम्मत के साथ लोग खड़े थे और वहां साइन बोर्ड हम लोगों ने गाड़ दिया, झंडा चारों तरफ से गाड़ दिया, ये सरना की जमीन है, ये सरना की जमीन है, प्रवेश निषेध, बचा हुआ है। एक हाल परसों हम लोग गए थे, कौन गांव था भैया जी, गांगो टोली और मान जी, गांगो टोली और मान जी, वहां भी गए थे, पूरे गांव के लोग थे। आप वहां पर क्या था, पार्क है, नहीं बांध तो है ही नहीं, जो गार्डन है, गोल्डन गार्डन, इतना लंबा चौड़ा घेर के रखा है और उसको प्लॉटिंग करके बेच रहा है, बगल में बहुत बड़ा बांध है उसको भी भर रहा है मिट्टी से। गांव वाले को बोले के बंद करवा सारी, बोली वहां गार्डन के नाम पर इतना बड़ा जमीन और उस जमीन को प्लॉटिंग करके बेच रहा, यही तो हो रहा है झारखंड में। अभी बीआईटी मिश्रा वहां भी हम गए थे, वहां एजुकेशन के नाम पर जमीन का लूट हुआ है, 750 एकड़ जमीन। जब कमेटी में बात आई, हमने सदन में कहा था एसपीटी किसी एटी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल कमेटी बना दिया, अभी इतना इतना थाक के थाक अभी दरखास्त आ रहा है, फाइल देख क्या बोले कि यहां क्या हुआ है रांची में। सब जगह की हमारा जमीन गलत तरीके से ले लिया गया, हमको जमीन से बेदखल कर दिया गया, केस भी हम जीते हैं, दखल दायनी भी हुआ, फिर जाकर के अभी केस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो दखल दानी जब सरकार के पदाधिकारी लोग रहते हैं, सीओ रहता है, थाने के लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, दखल दानी दिला देता है, फिर जाकर के कोर्ट में अपील कर देता है, इस तरह से सब गरीब मर जाएगा लड़ते लड़ते, जमीन नहीं होती ऐसा क्या। अरे दखल दानी दिया तो फिर दोबारा कोर्ट में क्यों जा रहा है, यही तो हो रहा है यहां पर। आज हमारे ये कैंसर टाइप का हो जाएगा, आज हमारी लड़की लोगों को, हमारी बहनों को प्रलोभन दिया जा रहा और इन लोगों को भी लोभ है कि आदिवासी के साथ शादी करेंगे तो हम मुखिया नहीं बन पाएंगे, आदिवासी के साथ शादी करेंगे तो प्रमुख नहीं बन पाएंगे, आदिवासी के पास शादी करेंगे तो भी जिला परिषद अध्यक्ष भी नहीं बन पाएंगे। तो जानता है किसके पास पैसा नहीं, लोभ से ही भी जाने वाला। मैं कहता हूं हेमंत सोरेन को हम लोग लिख के दें, माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग लिख के देंगे कि जो आदिवासी, जो मूलवासी दूसरे जात में शादी करेगी उसका सर्टिफिकेट रद्द करो और सरकार का सारा सुविधा मिलने वाला उसको भी बंद करो। क्या हो रहा है हम लोग के साथ में, नौकरी भी, जमीन भी, इज्जत भी, कहां बचेंगे हम लोग और कौन बचाएगा। मैं आपको साथ देना चाहता हूं और आप
आपका राय मशविरा जो होगा वही होगा। हम लोग तय करेंगे रणनीति कैसे तय करेंगे, सबों का सुझाव से रणनीति तय होगा और लड़ाई लड़ेंगे। जन्मत हम लोगों के साथ है, गरीब है और शिक्षा है, कौन उसको रास्ता दिखाएगा, कौन उसको रास्ता दिखाएगा। और बहुत तरह की धमकी इधर से उधर से लोग बता रहा है, मीडिया वाले लोग पूछते हैं, अभी अभी पूछा कि आप परिणाम भोगेंगे, क्या परिणाम भोगेंगे। कोई बोलता है कि आपको पार्टी से निकाल देगा, पार्टी में भी निर्णय लेता है कि कार्रवाई होगी। हम बोले कार्रवाई करो ना, क्यों देर कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, पार्टी से निकालोगे, माटी से नहीं निकाल सकते। किसी की धमकी से हम चुप होने वाले नहीं। मैं आपका साथ लेना चाहता हूं, मैं आपको साथ देना चाहता हूं, लड़ाई लड़ेंगे, मजबूर कर दूंगा। अभी और सभी जिला जिला में जा जाकर के हम लोग प्रोग्राम देंगे और सारे जिला से बात करने के बाद, लोगों को जगाने के बाद, जनतांत्रिक तरीके से बहुत तरह का लड़ाई लड़ने का तरीका है। और लास्ट में मोरहाबादी मैदान में केवल आदमी ही नहीं, 1000 गाय बैल, 1000 मुर्गा मुर्गी सुअर सब को लेके चले गए, और एक भी गाय बैल बढ़ेगा तो सरकार की जवाबदेही होगी। जब घरे नहीं रह पाएंगे तो क्या करके मामला को छोड़ के, क्या ठीक है कि नहीं होगा, जवाब देना पड़ेगा। ये देश में एक मैसेज जाएगा कि अपना आदमी अपना अधिकार को लेने के लिए गाय बैल बकरा बकरी सुअर मुर्गा मुर्गी लेकर के और धरना पर बैठेंगे, करो नहीं तो मरू। हम लोग एकदम एक ही मरा, एकदम मोरा मोदी में रहेंगे, क्या करेंगे यार, ऐसे भी मर रहे हैं, मरता क्या नहीं करता, करेंगे। टीएससी को तो फुटबॉल बना के रखा था, अभी भी टीएससी में हमको नहीं रखा है, चलो कोई बात नहीं, टीएससी में एक भी आदिवासी मूलवासी का केस नहीं गया, जिसके चलते महामेयर राज्यपाल पर भी नहीं गया, क्यों, देखावा है टीएससी। तो यहां सब सरकार की एकता से कहा जाए इच्छा शक्ति नहीं। देश के अंदर में प्रधानमंत्री जो बोलेगा वही होगा और राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री जो बोलेगा वही होगा, वैसा कानून बनेगा। हम दूसरा चीज कुछ नहीं मांगना चाहते, कुछ नहीं मांगना चाहते। ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, इसको जमीन पर उतारो, धरातल पर उतारो और आस्था ने नीति 32 के आधार पर 32 लेकर सीधे कर दो खतियान के आधार पर, जिसका खतियान वही है यहाँ का स्थानीय, और नियोजन नीति बना और पैसा एक्ट, 5 मुद्दा है। पैसा एक्ट केंद्र सरकार ने दे दिया, नियमावली रेगुलेशन बनाओगे तब ना, क्यों रेगुलेशन नहीं बन रहा। आज अगर रेगुलेशन बनता, नियम का नियमावली बनता, आज यहाँ चुनाव नहीं होता। ये 5 चीज हम लोगों को मिल जाए, झारखंड आगे बढ़ेगा। लेकिन कौन करने वाला है, उल्टे कर रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा साहब, अभी नगर पालिका को 10 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ा दिया, तो क्या हमारा वहां सामाजिक संरचना बचेगा, उल्टी टैक्स देना पड़ेगा, क्यों बढ़ेगा। ये नगर पालिका गलत है, जब तक पार्लियामेंट में कानून नहीं बनता है नगर पालिका यहां बनाने का कोई औचित्य नहीं। आज स्थानीय नियोजन नीति, मैंने स्थानीय
मैंने आज नौकरी दिया जा रहा है अभी जो कंपनी में, कितना कंपनी है यहाँ, आप जो चाहेगा बाहर मुश्किल से 2 महीने टिकेगा, भाग जाएगा वहां से, क्या होगा 10,000 में वहां। अरे वैकेंसी है यहाँ 1.5 लाख हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में मिला के 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी है, इसको तो भरो, तो आस्था नीति बनाओगे तब ना। देखिए आप कुछ नहीं, ये उम्मीद जो उम्मीद था लोगों का वो पानी फिर गया। अभी हम लोग रणनीति तय करें और रणनीति तय करने के बाद और आप जहां जो संगठन चला रहे हैं, मैं आप सारे संगठन के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वो संगठन आप काम करें और जो व्यक्ति जिस पार्टी से बिलोंग करता हो आप भी उसी पार्टी में रहो, लेकिन इस माटी के बचाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। आप कौन राजनीति करते हैं, कौन पार्टी से बिलोंग करते हो, कही कौन संगठन है चलाइए, लेकिन सारे संगठन अभी बहुत नदी नाला मिलकर के गंगा बना है, तो आज वेटलेस हो रहे हम लोग अपने से, वेटलेस है, मुद्दा एक है, लड़ाई एक है, लेकिन अलग 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 ही रही है, और धर्म कर्म के नाम पर तो लड़ना ही नहीं है। अभी मुद्दा एक है, एक जगह होने का बात है, और जिस दिन हम सारे लोग संताल प्रगना को तो मैं जगा दिया, अब हिम्मत नहीं है वहां। 30 जून को वहां के जनता ने दिखा दिया आप लोग थे, तो हर जिला में प्रोग्राम देंगे हम लोग, देंगे सब मिलकर के जाएंगे जहां हो, पर जैसे रांची जिला में होगा, आज इतने सारे संगठन लोग हैं, आप चाहे तो यहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। आज चाईबासा के लोगों ने निर्णय लिया, अभी बोकारो सब तरफ से भी जैना मोड़ में भी लोग बोल रहे थे कि हम यहां भी हम लोग लेंगे, हम घर से निकले हैं और घर हम वापस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कल परसों हम गए थे, हमारे चाचा के बड़े बेटा जो एसपी थे, रेल से डीआईजी भी रहे, रिटायर करके ऐसा कौन बीमारी धर लिया, हॉस्पिटल से कलकत्ता में वही एक्सपायर कर गए, उसी को मिट्टी देने के लिए हम गए थे, हम वापस जाने वाले नहीं। जिस दिन हम ये घोषणा किए थे इसके बाद पंचायत चुनाव हो गया, आचार संहिता लगा हुआ था, इसीलिए भी हम चुप थे, फिर ये उलगुलाम शुरू हो गया। करी कोई करने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं है, सब लोग मिलकर लड़ाई लड़िएगा, सरकार को झुका दोगे, हम लोग झुकना पड़ेगा इसको, और नहीं तो बाद में कहां मुंह दिखाओगे, यहां का विधायक, अरे कहां जाओगे बाद में, मुख्यमंत्री कहां जाइएगा, कहां जाएंगे आप, यही लोगों के पास जाना है, यही गरीब के पास जाना है, रास्ता तो बना के रखो, रास्ता बना के रखो, रास्ता बिगाड़ने का काम मत करो, और मैं बता रहा हूं ये गरीब का 2 चीज लगता है, एक आह और एक वाह, अगर ये गरीब का काम आपने किया वाह वाही होगी, और गरीब का काम आपने नहीं किया आह लगेगा, लगता ही लगता है, ये हम नहीं बोले, इसलिए कोई तफरका नहीं हम लोगों में,
मुद्दा सबका है, एक ही मुद्दा है, जल जंगल जमीन। चुनाव के वक्त में लगता जल जंगल जमीन की लड़ाई वाला पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज जंगल उजड़ रहा, आज यहाँ कोयला, तांबा, अबरख, यूरेनियम, आज यहाँ पर बालू जा रहा, बिहार चला गया, रॉयल्टी गवर्नमेंट को नहीं मिला, आज यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास मिला लोगों को, घर द्वार तोड़ दिया, दूसरे के दरवाजे पे रह रहा है, बालू नहीं मिल रहा, कैसा जिंदगी जी रहा है एहसास करके तो देखो। कौन बालू उपलब्ध कराएगा जब यहां से बिहार जा रहा है, यहां से बंगाल जा रहा है बालू, और झारखंडियों को बालू नहीं मिल रहा, पहाड़ उजड़ रहा, कौन बचाएगा इसको, कहां है डिपार्टमेंट का आदमी। लगाम कसो यहां पर, चारों तरफ किधर देखिएगा, मैंने ऐसा स्थिति हो गया। इसलिए देखिए, जाना तो है एक दिन, जाना तो है एक दिन, कुछ करके जाओ, ढो सकते हैं और भूखे प्यासे रात में भी हम लोग गाना बजाना कर सकते हैं भूखे प्यासे। कहां है किस्मत, अपने आप को कमजोर मत कीजिए, आपके साथ में कानून है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, बढ़ना तो पड़ेगा, होगा तो होगा, अंजाम देखा जाएगा, जो होगा होगा देखा जाएगा, चलाना है तो गोली चलाओ, लेकिन अधिकार को लेके रहेंगे हम, और हम आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही सारा चीज हम करना चाहते हैं। तो चलिए, समय भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत फिर पुनः सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, फिर भी यहाँ पर जो अध्यक्ष लोग हैं और सारे लोगों को हम चाहते हैं कि हम बैठ करके एक कमेटी या क्या क्या करना है ना अभी, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलेंगे, फिर बात करेंगे, और कभी भी किसी व्यक्ति का भी जगह जमीन का अगर ऐसा है, बहुत अभी आवेदन आया हुआ है, हम विभाग को बुला रहे हैं, सारे अभी हम डीसी वगैरह को हम लोगों ने पूछा है कि आपके जिला में कितना कितना केस अवैध तरीके से लोगों को लिया गया है, वो अपना पूरा प्रतिवेदन आप दे। और यहाँ अभी आपने जो कहा कि अभी जमीन जमाबंदी आपका प्लॉट मेरा जा रहा है, उसे क्या क्या कर रहा है लोग, इसलिए ज्यादा कानून हम लोग नहीं बतियाएंगे, ज्यादा कानून हम लोग बतियाएंगे तो कानून में लोग हरा देगा, हम लोग कुछ नहीं लड़ाई लड़ना है, जो है हमारा अधिकार उसी को लेना है, दो वही ठू, हम ज्यादा कानून नहीं बतियाना चाहते। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं आप, कहां देख रहे हो, कहां देख रहे हो, यह गांव में लूटा रहा है, यह गांव में जमीन से बेदखल हो रहा है, क्या करता है आपका पदाधिकारी लोग, ठीक नजरा पड़ेगा, यही वादा किया था, अभी भी वक्त है, अभी भी लोग सम्मान की दृष्टि से लोग देख रहे हैं आपको, इस वक्त का सदुपयोग करिए, और नहीं कहीं गांव में एक लोटा पानी नहीं मिलेगा, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा, क्या दुश्मनी है हमको, हम भी उसी पार्टी का पैदाइश है, हम प्यार करते हैं, हम सम्मान देते हैं, लेकिन ध्यान उसका कहीं कुछ हो रहा है। तो चलिए, हम लोगों को एक बात है, मैं रणनीति तय करके फेज वाइज हम लोगों को आंदोलन करते रहना होगा, और ज्यादा समय नहीं है, यही 2-2.5 साल के अंदर में
देना पड़ेगा। दो साल के अंदर में ये सारा चीज देना पड़ेगा और नहीं परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। कहां पार्टी कहां साथी? अरे पार्टी बनता है इसीलिए ना कि लोगों को एक समूह में ला करके हम लोग सरकार बने। कहां जा रहा है? तो चलिए ज्यादा बोलने का नहीं है, मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर मौका मिलेगा हम लोग फिर भी मीटिंग करेंगे, मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, लोगों को जगाते रहना है। हमारे लोग गरीब है, हमारे लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। आप एक ही चीज लोगों को सुझा रहा है कि जमीन, कितना मेहनत से लड़ाई लड़ करके इस जमीन को बचाया है लोगों ने, खून पसीना एक करके खेत बाड़ी बनाया है पूर्वजों ने, इस जमीन को बचाना है। आज हमारे लोग चले जाते हैं पंजाब, कोई चले जाते हैं मेरठ, कहां कहां बाहर चले जाते हैं। काम खत्म होने के बाद फिर वो आता है अपना जमीन पर ही आता है, तो जमीन में रहेगा तो कहां रहेगा, कहां जाएगा फिर। इसलिए तो समय पे बहुत ज्यादा हो गया, और चलिए आज पहली बार हम लोग बैठे हैं, लेकिन समय निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा लोगों को एकजुट करने के लिए, फिर हम लोग बैठेंगे।